संसद सत्र में विपक्ष के रवैये के विरोध में पूरे देश भर में सभी भाजपा सांसदों ने गुरुवार शाम उपवास रखा और उपवास के जरिए विपक्ष को सद्बुद्धि का संदेश दिया। इंदौर में भी राजवाड़ा पर भाजपा का मंच सजा और उपवास की कमान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संभाली। वहीं उनका साथ एनडीए की सहयोगी रही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया। पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय लिया है और हर स्थान पर परिस्थिति अनुसार कार्यक्रम करने की छूट भी दी है मंत्रीगणों को भी, क्योंकि कल रात देर रात तक मंत्रिमंडल की बैठक चली। फिर मेरे विभाग का जैसे सवाल है, कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में है, परसों भी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विषय थे, मुझे आज सुबह वो निपटाना था, इस कारण से मैं अभी आया। मैंने यहाँ बातचीत की तो इन्होंने तय किया कि हमने 1 बजे से उपवास धरना कार्यक्रम तय किया है, आप 1 बजे आना, मैं 1 बजे आया। और इस प्रकार की छूट मंत्रिमंडल के सदस्यों को और जहाँ की जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार कार्यक्रम करने की पार्टी और सत्ता के शीर्षस्थ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, उसी आधार पर कार्यक्रम होगा। राजवाड़ा पर दोपहर 1 बजे से भाजपा नेताओं का उपवास शुरू हुआ, जिसमें जिले के तमाम भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना था कि संसद का पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे की वजह से चल नहीं पाया, जिसके कारण जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी विपक्ष के रवैये की वजह से हुई। और दूसरी ओर कांग्रेस उपवास के नाम पर उपहास कर जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है। सही मायने में उपवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत का संविधान बनाया और वो संविधान बनाने में 289 उस समय के देश की आजादी के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले महापुरुष थे और उन्होंने भारत के संविधान को बनाया और भारत के संविधान में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान किया और अलग अलग त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में हर एक सदन को विचार विमर्श करने का अधिकार दिया। विचार विमर्श के बाद में बहुमत से कोई निर्णय करने का अधिकार दिया। भारत की आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक प्रणाली हमारे देश में सुदृढ़ तरीके से चलती रही, आज भी चल रही है, परंतु जब से कांग्रेस आई के अध्यक्ष राहुल गांधी जी बने, उनके इशारे पर कांग्रेस ने संसद को ठप करने का प्रयास किया, उसमें कुछ विरोध पक्ष के राजनीतिक दलों ने भी सहयोग किया। कांग्रेस वालों को चढ़ गई थी बदले की नशा, इसलिए 22 दिन तक चलता रहा संसद में तमाशा। इन्होंने तो कर दी 60 साल में देश की दुर्दशा, इन्होंने तो की 60 साल में देश की दुर्दशा, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं देश की आशा। उनको बहुत बड़ा गुस्सा है, मतलब सत्ता में इतने साल रहे और अभी बाहर रहना, उनको जिस तरह मछली को पानी के बाहर निकालने के बाद तड़पड़ती है मछली, उसी तरह ये तड़पड़ कर रहे हैं। लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि लोगों के सामने जाकर हमारा करोड़ों रुपए बर्बाद हुए लोगों के, और कांग्रेस पार्टी 22-23 दिन तक हमेशा रोज हंगामा करती रही। कुल मिलाकर बीजेपी का सियासी उपवास अब उपवास पर उपहास की सियासत का सबब बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।